तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू ए न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली। गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं अभी हम। तो एक अच्छा कंपैरिजन आ जाएगा आज आप लोगों के पास, गुड़गांव और दिल्ली में कितना डिफरेंस है। क्योंकि दिल्ली में मैं जहाँ जा रहा हूँ वो लोकेशन बहुत फेमस है। तो फिलहाल अभी हम गुड़गांव में हैं। इसको कहते हैं, इस एरिया को जहाँ से अभी हम जा रहे हैं, ये है DLF फेज टू। फेज वन और टू के बीच में है। तो अभी हमें जाना है दिल्ली की तरफ। मजा आने वाला है इस वीडियो में भी आप लोगों को। तो अभी हम साइबर सिटी की तरफ होते हुए निकल जाएंगे कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ। तो जो है आज की नई लोकेशन, और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे लेते हुए हम लोग आज इंटर करेंगे दिल्ली। अरे देखो भाई, नशे में कहाँ कहाँ से कैसे चला रहा है गाड़ी, उसको ही नहीं पता। तो ये जो आप देख रहे हो एरिया अभी, इसको कहते हैं DLF फेज थ्री। ये DLF फेज थ्री है, और यहीं से अब आगे कनेक्ट हो जाएगा आपका साइबर सिटी। तो स्वागत है आपका DLF साइबर सिटी में गुड़गांव। यहाँ पे तो भाई कभी भी आ जाओ, डे में आओ, नाइट में आओ, दोपहर में आओ, कभी भी आ जाओ आप, एक नंबर व्यू। यहाँ आते ही है ना मन खुश हो जाता है इन सड़कों पे राइड करके, और मुझे बहुत मजा आता है यहाँ। देख रहे हो, और क्रिसमस वगैरह में आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखना, क्रिसमस में तो ये रोड भाई साहब सर्दी, और इसको जिस तरीके से सजाया जाता है, ओए होए होए गजब। यहाँ पे आज अंधेरा पता नहीं क्यों है भाई, यहाँ लाइट बंद हो गई है किसी कारण आ गई। भाई मैं कह रहा था होती नहीं है लाइटें बंद यहाँ कभी भी, कभी भी आ जाओ। ये है साइबर सिटी, साइबर हब भी है अंदर। यहाँ से हम चले जाएंगे NH24। ये देखो वाइन शॉप, जितने भी कॉरपोरेट मजदूर है काम करके निकलते हैं, सारी गाड़ियाँ उन्हीं की खड़ी है भाई। कुछ टैक्सीज हैं, सब लोग यहीं से अपनी फ्रस्ट्रेशन की दवाई लेंगे, और यहाँ से फिर आके दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही आते हैं यहाँ। वेलकम टू NH24। थोड़ा सा ही इसको क्रॉस करना है सिर्फ हमें, इसके बाद हम निकल जाएंगे उद्योग विहार। उद्योग विहार में लाइट नहीं होती ज्यादा। तो ये है आपका सीधा जो रोड चला गया ना, ये सारा का सारा NH24 जो दिल्ली जा रहा है। लेकिन मुझे हाईवे से नहीं जाना, हमें जाना द्वारका एक्सप्रेसवे से। NH से जाने में भाई टाइम बहुत लगेगा, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप DLF की ही, साइबर पार्क है ये बिल्डिंग का नाम, बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेज आ गए हैं। तो इस रोड पे अंधेरा है, मैं आपसे मिलता हूँ। उद्योग विहार को पार करते हुए अब हम लोग आ गए हैं कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ। ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट करता है, दिल्ली गुड़गांव के बीच का बॉर्डर बोल सकते हो आप।
एक तरफ गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव गुरुग्राम कुछ भी बोल दो आप, वैसे गुड़गांव का जो पुराना नाम गुरुग्राम ही था। गुरुग्राम जो है भाई द्रोणाचार्य का गांव है। महाभारत अगर आपने देखी है उसमें जो कैरेक्टर है गुरु द्रोणाचार्य का, ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं। और ये देखो इस टैक्सी वाले की मनमर्जी भाई, बीच में डाल दी इसने एकदम से गाड़ी, वेट नहीं कर रहा बंदा। कापासेड़ा एरिया जो है भाई, ये आपका लेबर क्लास एरिया है, क्योंकि ये जो उद्योग विहार है हमारा गुड़गांव का, इसमें काम करने वाले सभी लोग दिल्ली की तरफ से आते हैं। तो जितनी भी लेबर क्लास आप देखोगे वो आती है दिल्ली से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार तो भाई वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली में आपका स्वागत है, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये आ गया भाई एमसीडी टोल, ये दिल्ली टोल है एमसीडी का। और ये देखो दिल्ली के हालात, आगे पीछे ये रिक्शे बहुत दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड ये जो आप देख रहे हो सारी की सारी, यहाँ पे भाई मार्केट लगती है, स्ट्रीट मार्केट बोल सकते हो, जो काफ़ी दूर तक लगती है। यहाँ पे आपको गैजेट्स वगैरह कपड़े वगैरह मिलते हैं। आगे जो है आपका फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो उस तरफ आप देख रहे हो जितना भी इन गाड़ियों के पीछे, तो ये पूरी मार्केट है फ्रूट और वेजिटेबल्स की। अब ये देख लो आप कहाँ से शुरू हुई है और ये कहाँ तक जाने वाली है, बहुत आगे तक है ये मार्केट, बहुत बड़ी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर यहाँ से निकलती है काम के लिए गुड़गांव की तरफ, और वापसी में सभी लोग यहाँ से अपने घर के लिए राशन फ्रूट्स ले लीजिए जो भी उनको चाहिए वो लेते हुए जाते हैं। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं जो डेली यूज़ की होती हैं, तो यहाँ आके ये मार्केट होती है ख़त्म। स्वागत है आपका, तो भाई फिर से स्वागत है आपका एक बार। और अब हम पहुंच गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये है भाई द्वारका एक्सप्रेसवे, और क्या खूबसूरत कर दिया भाई इस पे, ये लाइटें नहीं थी जो पोल लाइट आप देख रहे हो ना, ये पहले नहीं होती थी, ये हाल फिलहाल में अभी ही लगाई गई है। और इसके राइट साइड में जितनी भी वॉल पे आप लाइट देख रहे हो, ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कहते हैं पालम हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कुछ भी बोल लो। तो यही है आपका दिल्ली का हवाई अड्डा, जहाँ से सभी इंटरनेशनल फ्लाइटें उड़ती हैं, और डोमेस्टिक भी जाती है पर इंटरनेशनल ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से जाती है। ये देखो बीच बीच में लाइटें ख़राब भी हो गई, अभी लगाए हुए इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मैं 10-15 दिन पहले यहाँ से निकला था, तो भाई ये लाइटें नहीं थी यहाँ, अभी फिर से आया हूँ तो लाइटें थी लेकिन उसमें भी कुछ ख़राब है। और यहाँ पे तो भाई पूरी ही बंद हो गई लाइटें, आगे फिर से थोड़ी लाइटें देखने के लिए मिल रही हैं। लाइटें सारी बंद थी इसलिए मैंने कैमरा भी बंद कर दिया था, तो फिर से आ गए हैं।
यहाँ से ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये सभी वेडिंग डेस्टिनेशंस है। बैंकेट हॉल जिन्हें कहा जाता है, तो ये बैंकेट हॉल्स थे सभी, आगे और भी आते हैं इसमें। इसके लेफ्ट साइड में जो है बैंकेट हॉल्स, एक ये आ गया इधर बैंकेट हॉल, F29 नंबर है इसका। उसके बाद ये वाला बहुत खूबसूरत है भाई, इन्होंने तो नाम ही रखा है अपना लग्जरी डेस्टिनेशंस। ये कृष्णा यहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकल सकते हैं, लेकिन हमें जाना है द्वारका, तो हम लोग आ गए इस साइड। ये अंडरपास मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, निकलने में हम ऊपर से भी जा सकते थे, लेकिन ये जो अंडरपास है ना भाई, एक नंबर। इस पे लिखा हुआ है अभी फॉर पब्लिक, फॉर ओनली ट्रायल। इन्होंने पता नहीं क्या ट्रायल लेनी है इसमें, पब्लिक के लिए नहीं है, पैसा खर्चा कर दिया लेकिन ये पब्लिक के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? पैसा कहाँ से लाते हैं लोग, फ्री का पैसा इनके पास शायद, पब्लिक के टैक्स के पैसे को खर्चा करके और फिर बोल देते हैं पब्लिक के लिए नहीं है ये, वही ट्रायल के लिए है। रोड आप देख ही रहे हो खूबसूरत बना हुआ है, कलर्स अच्छे किए हुए हैं इस अंडरपास के अंदर, फिर भी नहीं भाई पब्लिक के लिए नहीं। द्वारका में स्वागत है, सामने द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन। और एक तरफ सामने हमारे रेड लाइट, तो भाई रेड लाइट से हम लोग निकल गए हैं। ये रोड भी बहुत खूबसूरत है यार, एक नंबर। दिल्ली पूरी अच्छी नहीं है, द्वारका जो है ये खूबसूरत बनाया है, या फिर आप गेट ऑफ इंडिया की तरफ, इंडिया गेट की तरफ जाते हो तो वो एक एरिया है जहाँ मैं जाना पसंद करता हूँ। हौज खास से लेके आगे तक वो पूरी बेल्ट है आपका लाल किला तक, फिर उसके आसपास में सभी खिचड़ी गंदगी ये सब है, लेकिन खूबसूरत जिसको कहते हैं ना वो इतना ही एरिया है दिल्ली में। या फिर दिल्ली में अभी जितने भी नए नए रोड प्रोजेक्ट्स जो आए हैं वो अच्छे बन रहे हैं, बहुत सारी कॉलोनियों को हटाया जा रहा है वहां से भी। एकदम मक्खन सड़कें हैं भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 20 मिनट से भी कम टाइम में गुड़गांव से यहाँ पहुंच गया हूँ, क्योंकि रोड्स अच्छे होते हैं ना तो स्पीड आपकी मेंटेन रहती है। यहाँ फिर से एक रेड लाइट, फिर से रेड लाइट से निकल गए और फिर अपनी राइड हो गई है स्टार्ट। तो ये है भाई द्वारका, और द्वारका के बारे में मैं बताऊं भाई, द्वारका में मैंने इन सर्दियों में, द्वारका के बारे में मैं बताता हूँ। द्वारका में भाई, अगर द्वारका सीरीज की आपने रामलीला नहीं देखी तो आप देखिएगा, यहाँ से 2-3 रामलीला मैंने कवर की थी जो बहुत पॉपुलर हैं, तो बहुत पॉपुलर रामलीला है यहाँ की।
आप लोग जाओ चैनल पे वो वीडियो देखो, और मैं प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, आप वहाँ पे देखोगे अलग अलग कैटेगरी में मैंने जो है सारी वीडियो शॉर्ट करके रखी है। आपको सिर्फ जाना है प्लेलिस्ट में, और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सिर्फ वही उठा के देखनी है, अगर आपको सभी वीडियो नहीं देखनी है तो वहाँ जाए आप चैनल पे और प्लेलिस्ट सर्च करें, सर्च प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मेरी मिल जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, ऐसे बहुत सारी जगह लिखा हुआ है वैसे तो, और अब हमें जाना है यहाँ से सीधा। ये भाई कैसे निकालेगा पता नहीं, तो कुछ ऐसा है द्वारका जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। द्वारका अभी जो है दिल्ली की बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है, रेजिडेंशियल प्लेस है ये, तो द्वारका जो है अपने आप में बहुत पॉपुलर है। और ये वो ग्राउंड है जहां मैंने रामलीला रिकॉर्ड किया था, और अभी भाई यहां पे लगा हुआ है कुछ फेयर, कोई मेला अभी भी लगा हुआ है। तो वैसे ही आयल करना होती हो क्या रात में उसकी बात चैनल पे बने रहना है, जुड़े रहना है, लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं फिर एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, सबके लिए गुड बाय, गुड नाइट।